पाकिस्तान में आईफोन 16 सीरीज की कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान। पीटीए टैक्स कितना है, आइए आपको बताते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के पाकिस्तान में तस्लीमशुदा डिस्ट्रीब्यूटर मर्सेंटाइल ने आईफोन 16 की बाज़ाब्ता कीमतों का ऐलान कर दिया है। मर्सेंटाइल ने अपनी वेबसाइट पर आईफोन 16 सीरीज के तमाम नए फोन की कीमतों का ऐलान किया। मर्सेंटाइल के मुताबिक आईफोन 16 प्रो की कीमत 4,60,000 पाकिस्तानी रुपए से शुरू हो रही है, जो 1 TB वेरियंट के लिए 6,58,000 तक जाती है। आईफोन 16 प्रो मैक्स की 256 GB वेरियंट की कीमत 5,40,500 रुपए मुख्तस की गई है। 16 प्रो मैक्स का 512 GB वेरिएंट 6,18,500 और टेराबाइट वेरिएंट 6,98,500 रुपए का है। दूसरी जानब स्टैंडर्ड आईफोन 16 की कीमत 3,69,000 से शुरू होकर 4,85,000 तक जाती है। आईफोन 16 प्लस की कीमत 4,07,500 रुपए से शुरू हो रही है, जो स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से 5,24,000 रुपए तक जाती है। मर्सेंटाइल की जानब से पाकिस्तान में सेल किए जाने वाले आईफोन फिजिकल प्लस ई सिम मॉडल्स हैं और ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीए से मंजूर शुदा होते हैं। वाजिरा मर्सेंटाइल कंपनी के पास लोकल पाकिस्तानी मोबाइल डीलर्स अपनी दुकानें रजिस्टर करवाते हैं और उनके पास मर्सेंटाइल का स्टॉक भी मौजूद होता है। सार्फीन पीटीए टैक्स की अदायगी दो तरीकों से कर सकते हैं, जिनमें एक बजरिया शनाख्ती कार्ड होती है और दूसरी उस पासपोर्ट के जरिए की जाती है जिसकी हाल में सफर करने की तारीख का सबूत मौजूद हो। पीटीए टैक्स शनाख्ती कार्ड की नस्बत पासपोर्ट में कदर कम होता है। आईफोन 16 की सूरत में पाकिस्तानी सार्फीन का दावा है कि जहां शनाख्ती कार्ड पर उन्होंने 2,00,000 से ज्यादा पीटीए टैक्स अदा किया, वहीं पासपोर्ट पर उस टैक्स की कीमत 1,80,000 के करीब है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।